So now we are in CBD Belapur. He is a very good photographer, videographer, philosopher, motivator. आपको एक ही ब्लॉग में तीन चार टाइप के ट्रांजिशंस दिखेंगे। Guys, hope you all are fine and safe and मजे कर रहे हो। सुबह के बजे 7:30 एंड मैं अभी जा रहा हूँ बुमकर चौक में। हिंजवड़ी वॉक करके आता है वो बुमकर चौक, वहां से मैं मुंबई की गाड़ी पकड़ूंगा पनवेल की। सो मुझे खारघर में उतरना है। सो अभी पूरा सामान रेडी है, गणेश गाड़ी निकालने के लिए बाहर गया है एंड अभी यही शर्ट बाहर था तो मैंने यही पहन लिया। चलो अभी निकलते हैं। जा रहे बुमकर चौक। मेरा दोस्त भी है प्रकाश तिवारी करके, वो भी आ रहा है मेरे साथ। मीन्स हम दोनों कलीग है। सो अभी हम दोनों जाने वाले हैं नवी मुंबई। फिर से गणेश के रूम पे आ गए हो। गणेश अभी नीचे खड़ा है बिकॉज यार ये छाता भूल के गया था। सो चलो अभी डायरेक्ट बुमकर चौक। छाता बहुत इंपॉर्टेंट है मुंबई में, अभी बारिश चल रही है इसलिए। Now we are in CBD Belapur, यहाँ मेरी कंपनी है। अभी हम ऑफिस जा रहे हैं तो आप सभी को अभी शाम को ही मिलते हैं ऑफिस हो जाने के बाद। मुझे कुछ बोलना है क्या? थोड़ा सा सर्दी हुई है, वो ऑफिस का टेंशन बहुत हो गया। दो महीने से एक ही काम कर रहा हूँ, वो भी नहीं पूरा हुआ। चलो बाय बाय। गाइज मेरा अभी ऑफिस ख़त्म हो गया और अभी बजे है 8:30 और वहाँ यहाँ एक खाऊगली है। सो मैं और प्रकाश इधर है, प्रकाश हम दोनों जा रहे हैं खाना खाने और उसके बाद रूम पे जाएंगे। अभी सुबह से तो मैं मेरे फ्लैट पे गया भी नहीं, अभी डायरेक्ट जाएंगे। योगेश रहेगा फ्लैट पे, देखेंगे अभी। चलो अभी थोड़ा खाना खा लेते हैं क्या प्रकाश? तो ये है बेलापुर स्टेशन और बेलापुर स्टेशन से हम जा रहे हैं अभी खारघर। मेरे साथ है अनिरुद्ध, हम मेरा रूम पार्टनर भी है और मेरा कलीग भी है और यहाँ से हम जाएंगे अभी खारघर हमारे फ्लैट पे। वी आर इन बेलापुर स्टेशन एंड अभी खारघर की ट्रेन हमारी आ गई है। सो मुंबई में तो लोकल से ही ट्रैवल करना पड़ता है और एक बात अच्छी भी है, नवी मुंबई में इतनी ज़्यादा गर्दी नहीं रहती। सो एक बात अच्छी भी है कि फास्ट ट्रैवलिंग भी हो जाती है। आपको आदत है, मीन्स मुंबई में आओ तो आदत लग ही जाती है, तो कुछ इशू नहीं है। अभी 2 मिनट में हमारी ट्रेन आएगी और डायरेक्ट अभी रूम पे। अपार्टमेंट में आ गया हूँ। सो अभी योगेश को भी बहुत दिनों बाद मिलने जा रहा हूँ तो अभी देखेंगे। चलो सो दिस इज आवर रूम, दिस इज आवर किचन एंड दिस इज माय वेरी गुड फ्रेंड योगेश। सो
ये योगेश भाई, और इससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिला है। ही इज़ अ वेरी गुड फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, फिलोसोफर, मोटिवेटर, और क्या क्या है भाई तू? ही इज़ अ डेवलपर आल्सो। सो गाइस, अभी रात के बजे है 11, 10 साढ़े 10 बजे हम कंपनी से ऑफिस से आए घर पे, खाना खा के आए थे। सो पूरा आज बॉडी पेन कर रहा है, एंड अभी योगेश हम सब के लिए कॉफी बनाने जा रहे हैं, तो उसकी कॉफी मेकिंग देखते हैं अपन। चले। सो योगेश अपने लिए कॉफी बना रहा है, एंड ही इज अ वेरी गुड कुक। वेज तो बहुत सही से बनाता है ये। हाँ, कभी बोल दे। हाँ, दाल बहुत सही से बनाता है, दाल, चाय, कॉफी, मैगी। जो कैमरा का दिखता है लेंस, लेकिन कैमरा का नहीं है ये, इसमें कप है जो कि बहुत सही है रे। किसने दिया था ये? दिया था अनिकेत ने, गिफ्ट दिया था बर्थडे पे। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें, डाल दे कॉफी। तो मैं हाफ ही डालूंगा इसमें कॉफी। पूरी डाल दे, कुछ इशू नहीं है। पूरा नहीं, पूरा बहुत हार्ड जाएगा, रात भर नींद नहीं आएगी। योगेश ने कॉफ़ी तो इतनी बढ़िया बनाई है, थैंक्स योगेश भाई। एंड मैं अभी जिस जगह पर खड़ा हूँ कि हमारे फ्लैट की गैलरी है, यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा है। एंड अभी दिखेगा नहीं रात को, यहाँ दिख रहा है, मतलब दिख रहा है, दिख रहा है। तो वहाँ एक स्विमिंग टैंक है, कभी कभी हम जाते हैं वहाँ मज़े करने। सो कभी जाएंगे तो वहाँ का भी ब्लॉग बनाएंगे। एंड यहाँ टेनिस खेलने के लिए या क्या बोलते हैं उसको, बैडमिंटन खेलने के लिए भी बहुत सही जगह है इधर। सो मज़ा आ जाता है, यहाँ पे बहुत सही है। अभी बजे रात के 11:21 हो गए, ऑलमोस्ट 11:30 बज चुके हैं। और अभी हमारा शेड्यूल कैसा रहता है गाइस, कि हमारे पेरेंट्स के कॉल आते हैं अभी, मतलब अभी उनके यहाँ भी मतलब काम दिन सब होता है उनका, और कॉल आते हैं, हम बातचीत करते हैं, उसके बाद हम सो जाते हैं। बिकॉज वैसे भी दिन भर भी टाइम नहीं मिलता, एंड रात को भी कभी नहीं मिलता, और हम ऑफिस में होते तो बातचीत में होती है। अभी कॉल स्टार्ट हो गए और उस समय एक घंटा चले जाएगा। हाँ, मीन्स 12 बजे हम 12 बजे तक सो जाते हैं, एंड देन फिर सुबह उठ के भी रहता है शेड्यूल थोड़ा बहुत, वो फिर आगे आपको बताएंगे ही। सो ऐसा शेड्यूल रहता है हमारा। सो गाइज, इस वीडियो को करते हैं यही एंड। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही व्लॉग देखने के लिए, बैचलर लाइफ एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।